Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is training lesson 3 and what we are discussing is Facebook marketing. जो पिछला lesson था वो थोड़ा लंबा था, उसमें हमने discuss किया कि आप Facebook post को कैसे boost करते हो और Facebook page को promote कैसे करते हो. तो next जो मेरे lessons होंगे वो हम ज़रा detail में जाएंगे और वो ज़रा complicated होगा, उसमें शायद आपको कुछ टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए होंगी. लेकिन ये जो अभी तक हमने सीखा है एडवर्टाइजिंग, फेसबुक पर एडवर्टाइजिंग, ये सिर्फ 5% या उससे भी कम है. लेकिन इस 5% से भी आप बेशुमार चीज़ें कर सकते हैं, बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सकते हैं. तो इस लेसन में ये जो हमने अभी तक सीखा है, मैं ये बताऊँगा कि आप किस तरह इस्तेमाल करके हाउ टू यूज़ पोस्ट बूस्टिंग टू स्टार्ट योर बिजनेसेस, या बूस्ट करना आप किस तरह कर सकते हैं, या स्टार्ट किस तरह कर सकते हैं, या बूस्ट किस तरह कर सकते हैं. तो मैंने कुछ यहाँ एग्जांपल्स लिखी हैं. जिस तरह सबसे पहले मैंने लिखा है लोकल बिजनेसेस. तो अब ये इस्तेमाल किस तरह होगी, तो वो आइडियाज़ मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ. असल में मेरी कोशिश ये है कि आपका दिमाग खुले, आपको पता चले कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं. मसलन लोकल बिजनेसेस किस तरह कर सकते हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ. जब मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान गया तो एक चीज़ जो मैंने नोट की वो ये थी, बिज़नेस क्या होता है, किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है. तो जो प्रॉब्लम मैंने देखी कि वहाँ जो हैंडीमैन है, जो प्लम्बर है, जो इलेक्ट्रिशियन है, जो वो मोटर ठीक करने वाला है, बिजली वाले हैं, ये सारे जो इस तरह के लोग होते हैं, ये एक तो मिलते बड़े मुश्किल से हैं और दूसरे बड़े नखरे वाले होते हैं. यानी एक तो काबू नहीं आएंगे, काबू आ भी गए वो सुबह का कहेंगे तो शाम को शायद आपके पास आएँ या अगले दिन आएँ. तो आप क्या कर सकते हो, बड़ी आसानी से एक लिस्ट बनाओ अपने इलाके में, अपने शहर में, जहाँ भी हो. इलेक्ट्रीशियन की लिस्ट बनाओ, प्लम्बर की लिस्ट बनाओ, इस तरह रिलेटेड जो सारे वो ट्रेड वाले लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनाई, उनसे बात की फ़ोन पे कि मैं आपको काम दूंगा या दूंगी. तो फिर आपने क्या करना है, एक पेज बनाओ हैंडीमैन इन जेलम, फ़र्ज़ करें आप जेलम से हैं, ठीक है. तो फिर आपने क्या करना, पोस्टें लगानी शुरू कर दी. एक पोस्ट ऐसी लगाओ जिसमें हैंडीमैन अवेलेबल या प्लम्बर अवेलेबल या इलेक्ट्रिशियन अवेलेबल एनी टाइम, रीज़नेबल प्राइस, फ़ोन नाओ, अपना फ़ोन नंबर लिख दिया, या वो मैसेज वाला ऑप्शन पिक कर लिया कि अगर आपको ज़रूरत है तो हमें मैसेज करें. तो उसको अगर आप बूस्ट करो, कुछ सौ रुपयों में आपका जो ना शहर उसको देखेगा, जिसको ज़रूरत है वो आपको फ़ोन करेगा. आप कमीशन अपना सेट कर लो कि इलेक्ट्रिशियन के साथ या जिसके भी साथ भी, कि इतने पैसे हम चार्ज करेंगे और उसमें से इतना मेरा कमीशन है. तो एक बड़ी आसानी से, एक तो आप प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, यानी आपके इलाके में जो मसला है, जो लोग काबू नहीं आते उनको प्रॉपर तरीके, और इसको आप फिर बड़ा बिजनेस भी बना सकते हैं और ज़्यादा लोगों को शामिल करके और ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करके. तो सिर्फ बूस्टिंग के ज़रिए, एक पेज बनाकर बूस्ट करके ये बिज़नेस आप शुरू कर सकते हो. एक और मैं मिसाल देता हूँ. जब लास्ट ईयर मैं पाकिस्तान में था, सर्दियों का मौसम था, तो मेरे इलाके में जो एक फ्लीस की जैकेट होती है, जो रेशमी सी जैकेट होती है मर्दों की, मैंने वो पहनी हुई थी. तो मेरे अपने कज़न्स के साथ बात हो रही थी, वो कहते कहाँ से लिए है, मैंने बताया मैं तो ये लंदन से लिए, ये यूके से लिए. तो एनीवे उनको भी शौक़ था उस तरह की पहनने का. तो वो पता चला हमारे इलाके में वो जैकेट जो है वो 2000 से 3000 या उससे भी ज़्यादा में बिकती है. वही जो जैकेट है, जब हमने पता कराया लाहौर में दुकानों पे 700-800 की बिक रही थी, अगर हम फैक्ट्री से लें तो वो 400 की बिक रही थी. अब इस तरह की कोई ना कोई चीज़ आपके इलाके में भी होगी जो महंगी बिकती है, किसी बड़े शहर से या किसी करीबी शहर से शायद वो सस्ती मिलती हो. तो इसमें बड़ी आसानी से एक बिज़नेस बन सकता है. आप अगेन पेज बनाओ, जेलम जैकेट्स या जो भी नाम रखना, वहाँ आप जैकेट्स के फ़ोटो लगाना शुरू कर दें. एक जैकेट को फ़ोटो लगाएँ, उस पर लिखें 50% ऑफ, होम डिलीवरी, जैकेट प्राइस 1250. फ़र्ज़ करें अगर मैं वहाँ करता तो जो 2500 की मेरी थी वो मैंने 50% ऑफ 1250 की देनी थी. अब मुझे वो पड़नी थी 400 की अगर फैक्ट्री से जाके लूँ, ठीक है. आप पहले टेस्ट करें, एक 200 रुपये लगा के दिखाएँ, अगर ऑर्डर आना शुरू हो जाए फिर बंदा जाके 10, 15, 20, 50, 100 जैकेटें जाके ले के भी आ सकता है. और उसमें होम डिलीवरी करें, आपके अपने इलाके में शहर में कितनी देर लगती है, 15-20 मिनट की ड्राइव होगी जब आपको ऑर्डर्स आते हैं. तो मैसेजेस के ज़रिए ऑर्डर आए, होम डिलीवरी होगी, जब डिलीवर करते हैं तब पैसे रहते हैं. तो इसको बिजनेस बनाया जा सकता है सिर्फ फेसबुक पे बूस्टिंग करने से। नेक्स्ट आ गया जी ट्यूशन एकेडमी। अपने इलाके में अगेन आपको आपके कज़न जानते होंगे, जानने वाले आगे पीछे क्लास फेलोज जानते होंगे कि आप ट्यूशन पढ़ाती हैं या पढ़ाते हैं। अगर आप फेसबुक पे वो अपने एकेडमी के नाम से एक पेज बनाओ, उसको पेज को बूस्ट करो, फिर पोस्ट लगा के बूस्ट करो कि ट्यूशन 9th and 10th इतने की वगैरह वगैरह इतने % ऑफ है। अगर आप 3 सब्जेक्ट की करें तो 1500 लेते हैं, मुझे नहीं पता उसकी प्राइस क्या है। लेकिन जो लोगों जिन लोगों को आपको पता ही नहीं कि वो आप ट्यूशन पढ़ाते हो, उन तक वो पोस्ट पहुंचेगी और आई एम श्योर कि बहुत से लोग पढ़ाना भी चाहेंगे। हो सकता है आप होम ट्यूशन, अगर आप लड़के हो आपके लिए आसानी है, आप घर जाके लोगों के पढ़ा सकते हो। फिर अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है, आपके बच्चे ज़्यादा नंबर लेते हैं, वो आप लिख सकते हो। तो इससे एक ट्यूशन एकेडमी आप इसको बढ़ा सकते हो। मैं अभी छोटे बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ, लोकल बिजनेसेस की। फिर जेम्स बिज़नेस, हमारे बासत भाई हैं, वो कह रहे हैं कि इसको किस तरह मैं पूरी दुनिया में लेके जाऊं। तो वो महंगे किस्म के, उनके पास ज़बरदस्त किस्म के जेम्स हैं। उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई जिसमें उनके अमेरिका की कोई किसी ने जेम ख़रीदा उनसे, तो वो तारीफ़ें कर रही है वीडियो पे। अब वो अपने पेज पे लगाएं, उसको बूस्ट करें, अमेरिका में बूस्ट करें। तो नीचे मैसेज का ऑप्शन ऑन कर दें या फ़ोन का ऑप्शन या जो भी, तो क्या होगा, लोग वो देखेंगे। आप लाखों लोगों को वो अमेरिका में दिखा सकते हो। इसी से आपका बिज़नेस शुरू हो सकता है, आपको ऑर्डर आना शुरू हो सकते हैं। तो बूस्टिंग से कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। और बूस्टिंग में एक और ऑप्शन भी होता है कि आप डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पे कॉल भी आ सकती है या मैसेज भी आ सकता है। प्रॉपर्टी का बिज़नेस मैंने पहले एग्जांपल दी जब मैंने पिछली ट्रेनिंग करवाई कि आप किस तरह 2 पोस्ट बनाओ, ये पोस्ट बनाओ कि मुझे अर्जेंटली घर की ज़रूरत है इस इलाके में, इतने पैसों में और इतने कमरे हों वगैरह वगैरह। दूसरी पोस्ट बनाओ कि मेरे पास इस तरह का घर मौजूद है, अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, इतना प्रॉफिट है। तो उन दोनों की कोलैबोरेशन करा के ग्राहक की और घर बेचने वाले की आप अपना कमीशन लोगे, प्रॉपर्टी का बिज़नेस शुरू हो गया। या अगर आप पहले ही प्रॉपर्टी के बिज़नेस में हो, घर की तस्वीरें लगाओ, नॉर्मली लोग लगाते हैं और सिर्फ अपने प्रोफाइल पर या पेज पर उसको बूस्ट नहीं करते, आप बूस्ट करो तो आपका पूरा शहर देखेगा। फिर आप टारगेट कर सकते हो कि पैसे वाले जो लोग हैं सिर्फ वही देखें, या जो जिनको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में शौक़ है सिर्फ वो देखें। तो प्रॉपर्टी का बिज़नेस आपका आगे बढ़ सकता है या शुरू कर सकते हो। यूट्यूब सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज़, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत से लोग अब मोनेटाइज करने के लिए 1000 आपको सब्सक्राइबर्स चाहिए और 4000 घंटे व्यूज़ चाहिए। तो मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक बताता हूँ कि मैं अगर अपने YouTube के चैनल पे जाऊं, ठीक है, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ दी मेरा YouTube चैनल, तो ये YouTube चैनल आ गया। अब यहाँ तक जो नाम है ये देखें, आखिर में लिखा हुआ view_as=subscriber। इसको मैं अगर डिलीट कर दूँ तो ये मेरे YouTube का चैनल का जो एड्रेस है, ठीक है, वेब एड्रेस है। इसके अगर मैं लिख दूँ sub_confirmation = 1। अब मैं जब एंटर करूं तो क्या होता है, अगर इस लिंक पे कोई आपका पेज विजिट करे तो वो डायरेक्ट उनको ये मैसेज आएगा जो सामने है, यानी सब्सक्राइब करो। अब मैं क्या करूं, इसको कॉपी करूं और मैं अपने फेसबुक पे पेज पे जाऊं। ठीक है, यहाँ मैं अगर जाता हूँ और अपनी पोस्ट लगाता हूँ, पोस्ट का ये जो लिंक मैंने कॉपी किया है इसको अगर मैं पेस्ट कर दूँ, तो ये मेरा फेसबुक का आ गया। या मैं यहाँ फोटो लगा सकता हूँ, ऊपर लिंक लगा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख दूँ जी लर्न ऑनलाइन बिजनेस फ्री और या फ्री ऑनलाइन बिजनेस क्लासेस वगैरह वगैरह, ठीक है। इसको मैं पोस्ट करता हूँ, फिर मैं इसको बूस्ट करूँ और मैं टारगेट सेलेक्ट करूँ जिनको एंटरप्रेन्योरशिप में ऑनलाइन बिजनेस में शौक़ है, सिर्फ वो लोग इसको देख सकें। तो वो क्या करेंगे, लोग जो ही इस पर क्लिक करेंगे, मैं क्या करता हूँ दूसरा पेज, इस पर मैं अपने पोस्ट नहीं करना चाहता, जो प्रॉपर्टी वाला किया था उस पर जाके करते हैं। आपको पता भी चल जाएगा कि होता क्या जब लोग उस पर क्लिक करें। तो यहाँ आके मैंने वो लिंक लगाया, ऊपर थोड़ा सा लिखा जी ये वाले लोग जो इंटरेस्टेड हैं इस पर क्लिक करें वगैरह वगैरह, वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। इसको मैं पोस्ट करता हूँ, तो ये एक मेरी पोस्ट बन गई। अब मैं पोस्ट पे जाके अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, सिर्फ आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ कि आप किस तरह जल्दी से अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है। तो ये आ गया जी वो पोस्ट, ठीक है। अब इस पे कोई भी क्लिक करेगा वो डायरेक्ट जाएगा मेरे YouTube के चैनल पे और ये मैसेज उनके सामने आएगा कि सब्सक्राइब करो। और ज़्यादा लोग जो हैं वो सब्सक्राइब के पे क्लिक करेंगे। इस तरह बहुत जल्दी आपके सब्सक्राइबर्स बन सकते हैं। इसी तरह अगर आपने व्यूज़ लेने हैं, आप अपनी कोई वीडियो उठाओ या प्लेलिस्ट उठाओ, उसको कॉपी करो और ये जाके आप अपने YouTube के जो Facebook का आपका पेज है उस पर पेस्ट करें, तो वो वीडियो सारी जो है उसके सामने आ जाएगी। उसका जो भी है उस पर भी आप थोड़ा बहुत लिख दो किस चीज़ के बारे में वीडियो है, जिस तरह ये किस किस्म की वीडियो ज़्यादा मशहूर होती हैं, YouTube के ट्रिक्स मैं कुछ इस तरह लिखूँ, इसको पोस्ट करूँ। तो क्या होगा, जो लोग भी अब इसको मैं बूस्ट करूँ, जिन लोगों को YouTube के चैनल बनाने में का शौक़ है, मैं वो बंदे सेलेक्ट करूँगा। वो जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, वो मेरे वीडियो पे जाएंगे, उसको जाके देखेंगे, मेरे व्यूज़ बनना शुरू हो गए। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज़ टू इम्प्रूव योर यूट्यूब। लोग मरते हैं जी किसी तरह मुझे व्यूज़ मिल जाएँ, सब्सक्राइबर्स मिल जाएँ, इतना आसान तरीका है। नेक्स्ट जी, मोटिवेशनल स्पीकर आपने बनना। मोटिवेशनल स्पीकर आपने बनना, मसला ये है कि आपको कोई जानता नहीं, ठीक है। आप क्या बनाओ, अपने नाम से पेज बनाओ, फिर अपने जो बेस्ट मोस्ट मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं कुछ वो बनाओ, कोशिश करो छोटी छोटी। आप क्या करोगे, वीडियोस बना के फिर उसको अपने पेज पे पोस्ट करो और फिर उनको बूस्ट करो। बूस्ट करने से फिर सेलेक्ट करो कि जो लोग कासिम अली शाह को पसंद करते हैं, अगर उस तरह का मोटिवेशनल स्पीकर बनना है या जिस तरह का जो भी आपका टॉपिक है उसके लिहाज से बंदे सेलेक्ट करो, उसको बूस्ट करो। आपके रफली मेरे ख्याल में अगर पैसे हैं थोड़े बहुत, मोटिवेशनल स्पीकर वाकई बनना तो लगाओ, 10,000 लगा दो, 15,000 लगा दो, एक दिन के नहीं, ओवर द टाइम। बाय द वे 3-4 दिन लगते हैं फेसबुक को फुल रिजल्ट शो करने में, यानी 4 दिन में अगर 200-200 रुपये आप लगाते हो तो पहले दिन शायद आपको व्यूज़ थोड़े कम मिलें, लेकिन आस्ता आस्ता 4 दिन तक वो बराबर हो जाते हैं। तो 10,000 लगा के फ़र्ज़ करें आप 1,20,000 या 1.5 लाख लोगों तक पहुँचते हैं, आपकी वीडियोज़ देखते हैं। तो आप या इस तरह भी कर सकते हैं, 2,000 लगाए, 20,000-30,000 लोगों तक पहुँचे, फिर एक और वीडियो लगाई, तो जितने लोगों तक आप पहुँचा रहे वो आपको जानना शुरू हो गए, यार ये भी कोई स्पीकर है, ठीक है। तो फिर उससे आपकी फॉलोइंग बनना शुरू हो जाएगी, फिर उससे आप और क्वालिटी की वीडियोस लगा सकते हो, यूट्यूब के चैनल का लिंक डाल सकते हो। तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना शुरू हो गए, यानी लोग आपको जानना शुरू हो गए। इसके आगे फिर आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। फिर नेक्स्ट आ जाए जी, ऑनलाइन कुरान अकेडमी। इससे पहले ये मैं आपको दिखाऊँ, मैं कुछ और दिखाता हूँ। मुझे बड़ी हैरत हुई, खुशी भी हुई, फिर गुस्सा भी आया। ये ऐड मेरे सामने आया मेरे फेसबुक पे। ऐड क्या है जी, ये इंडिया की कोई एकेडमी है, इसका नाम क्या है, क्यू मैथ एक्सपर्ट। इनका ऐड मेरे सामने आया, वो नीचे क्या लिखा हुआ है, इंडियाज़ #1 ऑनलाइन मैथ प्रोग्राम नाउ इन UK। अगर वो कर सकते हैं यार, हम कर सकते हैं। पाकिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एकेडमीज़ हैं कुरान के, ख़ास तौर पर मुसलमान यहाँ बहुत हैं और यहाँ मसला भी बहुत होता है। यहाँ से बच्चे को उठा के मस्जिद लेके जाना, फिर उनको कुरान पढ़ाना, अगर घर में बुलाएं तो बहुत ज़्यादा महंगा है। आप ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हो, इन्होंने ऐड लगाया है। आप क्या करो जी, दोबारा जाते हैं अपनी स्लाइड पे, आप बड़ी आसानी से 1-2 पोस्ट लगाओ जहाँ आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, ठीक है, अपना सिस्टम पे जिस तरह उसकी वीडियो रिकॉर्ड करो, उसको फिर लगाओ अपने पेज पे, ऑनलाइन कुरान अकेडमी, लंदन कुरान अकेडमी, जो भी नाम रखना, उसको बूस्ट कर दें। फिर UK में बूस्ट कर दें या अमेरिका में बूस्ट कर दें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इंग्लिश कंट्रीज़ में जहाँ पैसे भी ठीक मिलते हैं। और नीचे वो मैसेज का ऑप्शन ऑन कर दें कि लोग डायरेक्ट आपको मैसेज करें अगर उन्होंने अपने बच्चे पढ़ाने। तो ये हो गया। फिर ऑनलाइन कोर्सेज़, ऑनलाइन कोर्सेज़ का भी यही तरीका है। जिस तरह हमारे साथ भाई हैं वो रेस्टोरेंट का कोर्सेज़ है, उनको सिखाते हैं लोगों को कैसे कामयाब रेस्टोरेंट चला सकते हो। वो भी आप यही करोगे। पहला प्रोसेस आपका मोटिवेशनल स्पीकर वाला, अपना पेज बनाओ और उस पर वीडियोज़ 2-4 लगा के, आपके अपने स्टूडेंट्स भी हैं जो टेस्टिमोनियल दे सकते हैं कि उन्होंने आपका कोर्स लिया, क्या फ़ायदा हुआ, या उनकी लगाएं या अपनी लगाएं, या जी ज़बरदस्त किस्म का रेस्टोरेंट कैसे चला सकते हैं, उसकी सेल्स 2 गुना कैसे बढ़ा सकते हो, 10 गुना कैसे, इस तरह के 2-4 वीडियो लगा के उनको बूस्ट करो। लाख लोगों तक पहुंचो, आपकी फॉलोइंग बनना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद अपना कोर्स ऑफर करना शुरू कर दो, लाइव सेशंस करना शुरू कर दो पेज के थ्रू, अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करो और लाइव सेशन के ज़रिए आप 10-12 क्या कहते हैं क्लाइंट्स, उनको कोर्स ऑफर कर सकते हो, वो ख़रीदेंगे भी। सो हाउ ईजी इज़ दिस, जस्ट बूस्टिंग के ज़रिए। अभी हमने कुछ और भी नहीं सीखा। फ्रीलांसिंग, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप वेब डेवलपर हो, आप फेसबुक की सर्विसेज देते हो, जो भी, अपने कंपनी के नाम से एक पेज बनाओ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग गुरुज जो भी है नाम आपका, उसमें अपनी सर्विसेज लिखो, उसमें ज़बरदस्त सा फ़ोटो लगाओ जिसमें लिखो कि 50% ऑफ, जो लोगो डिज़ाइनिंग एंड ब्रांड डिज़ाइनिंग ओनली $50। अब फाइवर पे $5 का बेचते हो, अपने पेज पे वो 50 का रखो, 50% ऑफ या 90% ऑफ लिख दो, उसको बूस्ट करो। यूके में जाना है, जहाँ भी जाना है, लोग देखेंगे, मतलब टेस्टिंग तो कर सकते हो ना, 20, 30, 40 डॉलर लगा के देखो कि कोई कॉन्टैक्ट करता है आपको, अगर करता है इसका मतलब है बिजनेस चल पड़ेगा। ऑनलाइन सर्विसेज बिल्कुल फ्रीलांसिंग की तरह, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज या फेसबुक एजेंसी, जो भी एजेंसी है उसके अपनी पोस्ट लगा के उनको बूस्ट करो, दुनिया में जहाँ भी करना चाहते हो, पाकिस्तान, ओवरसीज़। फिर रेस्टोरेंट, ढाबा टाइप, जिनके रेस्टोरेंट्स हैं बड़े, वो अपने शहरों में एडवर्टाइज़ करें जी, ऑफ़र है जी आज, buy 1 get 1 free, इस तरह के ऑफ़र्स लगाओ, उनको बूस्ट करो, पूरा शहर आपका देखेगा, फिर देखें रश कितना लगता है, तो इससे अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हो। तो इस तरह मैं 2 घंटे लगा सकता हूँ, बिजनेस आइडियाज़ आपको बता सकता हूँ आप किस तरह कर सकते हो, सिंपल एक आप अपनी पोस्ट बूस्ट करके। आई नो के वो फ़ोटो कौन सा लगाना है, वीडियो कौन सी लगानी है, उसमें भी टेक्निक है, लेकिन कितनी आसान चीज़ें हैं। तो अपने दिमाग को खोलें। अभी हमने सिर्फ 5% फेसबुक मार्केटिंग सीखी है और आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और बहुत कुछ इसके अलावा भी कर सकते हैं। सो दिमाग खोल के थोड़ी बहुत बूस्टी करें और इसको इस्तेमाल करना शुरू करें, आपको समझ भी आएगी। और जो बिजनेसमैन देख रहे हैं उनके लिए मैं ये मार्केटिंग इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो शायद खुद ना करें लेकिन जिनसे करवानी है उनको पता हो, या जिनको बिल्कुल नहीं पता वो तो अच्छे खासे पैसे लगाने के लिए तैयार हैं। तो जो सीख रहे हैं वो ये सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं। एक और चीज़, यही आइडिया कि गारमेंट्स का, हर शहर में बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं लेडीज़ गारमेंट्स की, सूट्स की। आप क्या करो जी, जाओ उनके साथ बात करो कि मैं आपके सूट्स बिकवाऊँगा, मुझे कितने में मिलेंगे, मुझे कितने पैसे मिलेंगे वगैरह वगैरह। वहाँ से उनके पास एल्बम्स होती हैं, वहाँ से तस्वीरें लीं, एक पेज बनाया, उस पर तस्वीरें लगा के उसको बूस्ट करो और मे बी होम डिलीवरी सर्विस शुरू कर दो। वहाँ से सूट उठाए दुकान से, इन्वेस्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, 500-1000 लगाया, उससे देखो कितने ऑर्डर आते हैं, वो आपका एक ज़रिया माश बन सकता है। सो देयर आर सो मैनी डिफरेंट आइडियाज़ गाइस। मैं क्या करूँगा, अगर आप जो लाइव सेशन करेंगे वो इस टॉपिक पे रखते हैं, आपकी जो भी सिचुएशन है उसके मुताबिक उसको करते हैं। एक और मुझे बात याद आ गई, वकार साहब हैं और कुछ लड़कियां हमारे ग्रुप में हैं, वो डिस्कस कर रही थी कि ऑनलाइन गारमेंट्स का बिज़नेस या हम डिज़ाइन करते हैं। वकार साहब मेरे ख्याल में वो कुछ सूट वगैरह बेचते हैं, उनके पास डीलरशिप भी है, यानी जो औरतें उनसे ख़रीद के आगे बेचें तो उनको कमीशन मिलता है। तो वो 2 किस्म की पोस्ट लगा सकते हैं, एक तो डायरेक्ट सारे अपने डिज़ाइन लगा के उनको बूस्ट करो, लड़कियों को खाली सेलेक्ट करो तो देखो उसमें से कोई ऑर्डर्स आते हैं, आप होम डिलीवरी भी करते हो। दूसरा एक और पोस्ट बनाओ कि जो लड़कियां हमारे साथ जॉइंट वेंचर करना चाहती हैं इसको बेचेंगे, उनको इतने पैसे मिलेंगे वगैरह वगैरह। तो दोनों तरह के बिजनेसेस आपके चल पड़ेंगे। सो आई कैन कैरी ऑन, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू आइडिया कि सिर्फ पेज बूस्टिंग से आप क्या कुछ कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। अब जो नेक्स्ट लेसन हमारे होंगे, शायद मैं एक पेज फेसबुक प्रोफाइल पे बनाऊं कि उसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम एडवांस मार्केटिंग शुरू करने लगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।